हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुज सिंह वर्मा एंड वेलकम टू द स्टडी हैक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बायोलॉजी का जो है रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का एडिशन प्राइस प्लस इसमें मतलब कि क्या क्वालिटीज़ है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बुक के कवर पर आएंगे कि बुक के कवर पर क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एमटीजी की जो है ब्रांडिंग दी हुई है, और फिर उसके बाद जो है ये टॉपर्स नंबर वन नीट जो कि एक टैग करके कुछ बनाया हुआ है, और अमेजोन बेस्ट सेलर का भी मतलब कि यहाँ पर जो है एक टैग बनाया हुआ है, और सेलिब्रेटिंग 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस बुक जिसके खुशी में इसने गिफ्ट दिया है, ठीक है। और उस गिफ्ट में क्या क्या होगा यहाँ पर उसमें साइड में बताया गया उसकी उस गिफ्ट में क्या क्या है। मैगजीन है, प्लस पोस्टर है, फिंगर टिप्स प्लस प्लस अचीवर्स पैकेज है, सीन साइड कवर, मतलब कि इस कवर के अंदर वो सब चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेक्स्ट में यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमसीक्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच लाइन ऑफ द लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस बुक में क्या क्या वैसे है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी नोट्स विथ HD पेजेस। सबसे अच्छा बात तो मुझे इस बुक में यही लगा कि इसमें जो है एक एनसीईआरटी नोट्स दिया हुआ है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का। और मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि यदि आपने एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ लिया है तो आप उसका एक ओवरव्यू आप इस HD पेज का ले सकते हैं, जिससे आपको एक क्विक रिकैप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड MCQs हैं, एंड तीसरा में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड हॉट्स MCQs, एग्जाम अचीव्स प्रीवियस ईयर PMT क्वेश्चंस, मतलब कि एम्स में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और कितनी बार आया, ये सब इसमें जो है दिया हुआ है। और फिर इसके बाद 6 प्रैक्टिस पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके इस बुक के अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही देखेंगे कि यहाँ पर एक हमें कुछ फ्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फ्री पर ही ध्यान देते हैं। एनिवर्सरी एडिशन, इन्जॉय द स्पेशल गिफ्ट वर्थ 600 rupees फ्री। तो जैसे कि इसका जो है 10 years एनिवर्सरी था और इसने जो है 600 rupees का जो है एक फ्री गिफ्ट करके कुछ दिया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या दिया है। तो इसका जो फर्स्ट कुछ दिया है फिंगर टिप्स प्लस प्लस अचीवर्स पैकेज। तो इस पैकेज में क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो 300 rupees यहाँ पर जो है शो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एन एडिशनल ऑनलाइन स्मार्ट पैकेज फॉर ऑल द ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बायर्स। व्हाट इज फिंगर टिप्स प्लस प्लस अचीवर्स पैकेज, मतलब कि अचीवर्स पैकेज क्या क्या है। इसमें जो है कुछ अतिरिक्त हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5 सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर्स रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे जिसके जो है रिपोर्ट इंस्टेंट मतलब कि मिल जाएंगे आपको, जो है वहाँ पर एक एग्जामिन करने का मौका दिया जाएगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस मतलब कि एक एनालिसिस होगी, एंड एनरोल एंड एक्सप्लोर मोर बेनिफिट्स। तो एनरोल कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। और जो इसका सेकेंड जो है गिफ्ट है वो 3 months बायोलॉजी टूडे डिजिटल एडिशन सब्सक्रिप्शन वर्थ 120 rupees, मतलब कि एक 120 rupees का एक डिजिटल एडिशन करके कुछ एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ यू अप्लाई वाउचर कोड, मतलब कि एक वाउचर कोड इसमें दिया गया है, और यदि उस वाउचर कोड का आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 120 rupees की कीमत वाला एक जो है सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इस सब्सक्रिप्शन में क्या वो तो मुझे अभी भी नहीं पता है, मैं जरूर इसको एक बार ट्राई करूंगा। और फिर इसके बाद जो है आपको तीसरा गिफ्ट क्या दिया हुआ है, एजुकेशनल पोस्टर्स इनसाइड द बुक वर्थ 199 rupees, मतलब कि एक एजुकेशनल पोस्टर दिया गया है, मतलब कि बायोलॉजी के ही रिलेटेड एक पोस्टर दिया गया होगा जिसका जो है प्राइस यहाँ पर बता रहा है कि 200 rupees है, ठीक है। तो पोस्टर को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कैसे आप ये सब पा सकते हैं, मतलब कि आप कैसे इसको जो है अचीव कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ।
तो आपको तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ क्रोम पर आपको ये टाइप करना है https के बाद जो जो मतलब कि यहाँ पर लिंक दिया गया है वो वहाँ पर टाइप करना है। फिर उसके बाद जो है एक बगल में जो है साइड में एक वाउचर कोड दिया गया है, आपको उसको जो है उस वेबसाइट पर जैसे ही खुलेगा आपको वहाँ पर टाइप करना है एंड देन कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करके आपका जो है परचेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। यू विल रिसीव एक्टिवेशन मेल फॉर द फिंगर टिप्स प्लस प्लस अचीवर्स पैकेज एंड 3 months बायोलॉजी टुडे मैगजीन सब्सक्रिप्शन 24 to 48 hours। मतलब कि जो 3 month का बायोलॉजी टुडे मैगजीन है, मैगजीन का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको जो है 24 से 48 घंटा के अंदर जो है आपके ईमेल आईडी पर मेल किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ जो है यहाँ पर गिफ्ट 10th एनिवर्सरी के रिगार्डिंग जो है गिफ्ट दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब इसके एडिशन पर आते हैं, क्या क्या इसमें दिया गया है। रीडर्स रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो जो इस बुक को पढ़े उन्होंने अपना रिव्यू दिया है, क्या क्या रिव्यू आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड फिर इसके बाद जो है टॉपर्स के कुछ वर्ड है, मतलब कि टॉपर की क्या राय है इस बुक के बारे में। टॉपर भी इस बुक को जो है बहुत ही अच्छा बताते हैं, जैसा कि आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंटेंट दिखाने से पहले जो है सबसे पहले आपको जो है उस पोस्टर को आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि वो जो गिफ्ट वाले सेक्शन में बताया गया था हमें। तो यही हमारा जो है पोस्टर है, इसको मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। इस तरह का आपको एक जो है पोस्टर दिखाई देगा बुक के सबसे लास्ट वाले सेक्शन में, एंड इस पोस्टर को आप अपने जो है वॉल पर चिपका सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल जो है पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस बुक के लास्ट वाले जो है सेक्शन पर आ जाते हैं। लास्ट वाला जो साइड है उसमें मतलब बताया गया है कि इस बुक से कितने कितने परसेंट जो है MCQs जो है डायरेक्टली नीट एग्जाम में टकरे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2021 में 90% सेम MCQ, मतलब कि सिमिलर टाइप के MCQ जो है इसी बुक से टकरे थे। ठीक है, और इस बुक की प्राइस जो है 900 rupees है। तो वैसे तो मैं आपको जो है लोकल मार्केट से ही खरीदने के लिए सजेस्ट करूंगा, वैसे तो इसका प्राइस है 900 rupees, लेकिन मैंने इसको जो है डिस्काउंट अमेजोन डिस्काउंट पर 530 से 540 में ही ले लिया था। ठीक है, बहुत ह्यूज मार्जिन मतलब कि पड़ा था। और यदि आपको जो है लोकल मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी आप कम दाम पर जो है ले सकते हैं। ठीक है, ये 2022 का एडिशन है, मैं आपको एडिशन भी यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो चलिए अब इसके कुछ चैप्टर्स को देख लेते हैं कि इसमें जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये 11 का कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ये सब जो है 11 का जो है कॉन्टेंट है, 11 का चैप्टर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं आपके अभी स्क्रीन पर, और आप इसे एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मतलब कि इसमें जो है दिया हुआ है। और ये जो है हमारा 12 का जो है चैप्टर स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर 12 का जो है कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग अपना 12 का ही ले लेते हैं और उसका रिव्यू करते हैं कि कैसा मतलब कि उसमें क्वेश्चंस है और कैसे कैसे जो है NCERT नोट्स, जैसा कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट में ही उस पार्ट को मैंने इम्फेसाइज किया था कि NCERT नोट्स जो है इस बुक का जो है बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। तो मैं इस बुक का एक नेगेटिव पॉइंट भी बताना चाहता हूँ। इसका जो पेज है वो थोड़ा थीन है कंपैरेटिवली दूसरे बुक के, तो ये मुझे जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा। तो चलिए जो है आगे 12 का हमने फर्स्ट चैप्टर खोल लिया और इसी को सबसे पहले हम लोग जो है एक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक NCERT जो है यहाँ पर नोट्स यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस बुक को जो है एक अच्छा बुक की श्रेणी में लाने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप NCERT एक बार यदि अच्छा से पढ़ लिया तो आप इस शॉर्ट नोट्स का आप एक रिवीजन के टाइप पर इसको आप यूज कर सकते हैं। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि मतलब कि जितना भी जो है शॉर्ट नोट्स है उसको जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दूं। तो यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, यदि वो वीडियो बन जाएगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जो है डाल दूंगा। आप हर एक चैप्टर का जो
शॉर्ट नोट्स है जो एनसीईआरटी नोट्स इस बुक में दिया हुआ है, उसका जो है मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए जो है आप आसानी से एनसीईआरटी नोट्स बहुत ही एक अच्छा फॉर्म में जो है दिया गया है, आप इसको पढ़कर आसानी से चैप्टर्स का एक रिकैप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे इसमें प्लस पॉइंट जो है एमसीक्यू जो है वो टॉपिक वाइज दिया गया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टॉपिक वाइज यहाँ पर एमसीक्यू दिए गए हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू देने से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है एमसीक्यू कॉर्नर टाइप का एक हेडिंग बनाया गया है, और ये जो एमसीक्यू है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो आप इसमें कम से कम जो है एमसीक्यू का जो है नंबर कम से कम होगा 100 प्लस तो होना ही चाहिए। हाँ जी है, पूरे 100 हैं। और फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, एंड फिर इसके बाद जो है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, जैसे कि अभी भी जानते हैं कि ये जो ट्रेंड बन चुका है ये भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। तो फिर इसके बाद जो है थिंकिंग कॉर्नर करके एक यहाँ पर बड़ा सा हेडिंग दिया गया है, और उसमें जो है क्वेश्चन कुछ 4 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड फिर इसके बाद जो है एग्ज़ाम अचीव, मतलब कि पीएमटी, जैसे कि मैंने बताया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आया है, जैसे कि एम्स में कौन सा क्वेश्चन आया है, AIPMT में कौन सा, नीट में कौन सा आया, सब यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 20 ही दिए गए हैं, एंड फिर इसके लास्ट में जो है इसका आंसर दिया गया है। मैं इससे भी डिसअपॉइंट हूँ कि आंसर को जो है थोड़ा सा मतलब कि एबोरेट करके बताना चाहिए था कि इस आंसर का यही आंसर क्यों, सॉरी इस क्वेश्चन का यही आंसर क्यों हुआ, ठीक है। ये मुझे इस बुक में थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। तो सेम ऐसा ही हर एक चैप्टर का यही मतलब कि सिचुएशन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस पेपर भी दिया गया है, जैसे कि बुक के फ्रंट में ही प्रोमिस किया गया था कि यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस पेपर रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, एंड जो कि आप मतलब ये सब जो है नीट लेवल के हैं, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एंड फिर इसके बाद जो है क्या क्या दिया गया है मैं यहाँ पर देखता हूँ। एंड मैं यहाँ पर जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जो है इसके चैप्टर्स के जो है हिंट नहीं दिए गए हैं कि ये आंसर क्यों हुआ, उसका जो एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, लेकिन सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर खोला था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका जो है उस क्वेश्चन का जो है मतलब कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्यों आया, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका जो है मतलब कि एक्सप्लेनेशन क्या है, वो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पूरे जो है सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो वहाँ पर थे उस चैप्टर में थे, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स का भी जो है एक्सप्लेनेशन आसानी से दिया गया है, थिंकिंग कॉर्नर का भी दिया गया है, एग्जाम अचीव का भी दिया गया है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आप देख पा रहे हो कि किस चीज़ का जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि प्रैक्टिस पेपर 6 प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा, तो चैप्टर 11 में जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो है 3 यहाँ पर सैंपल पेपर दिए गए हैं, सॉरी 3 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं, और 3 क्लास 12 में प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 प्रैक्टिस पेपर जो है दिए गए हैं, और 3 क्लास 12 वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन क्लास 11 के चैप्टर्स का भी क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, पेज नंबर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। वैसे वहाँ पर कॉन्टेंट में नहीं दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नहीं, 538 पेज नंबर, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी जो है
कंटेंट में नहीं दिया गया है कि प्रैक्टिस पेपर के बाद जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है वैसे चैप्टर के जस्ट बाद होना चाहिए था एक्सप्लेनेशन, ताकि जो है एक तुरंत जो है सेटिस्फैक्शन मिल सके, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन पर आना चाहता हूँ, यदि आप जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है इस बुक को एक बार जरूर सोल्व करना चाहिए, इस बुक का एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है वो आपको जो है एक एनसीईआरटी नोट्स के टाइप में जो है एक नोट्स देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकैप करने के लिए। और जो यदि आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस बुक को अवश्य खरीदें, क्योंकि इसमें एम्पल अमाउंट में जो है क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये जो है नीट के लिए इनफ है, आप दूसरे बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार इस बुक को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने ट्राई किया था। आप पर डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं। ये रहा इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब कि लगा कि हाँ इस भाई ने थोड़ा सा भी मेहनत किया है, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक बार आपको इस वीडियो को दबाकर शेयर मारना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगा, और थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।